बंधु सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी ना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना तेज कुवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम पियाजी को पल पल करो प्रणाम। आकिन ना छूटे सुहागनी जो परे अनेक बिघन प्यारी पियू के कारणे जीव को ना करे जतन जीव को ना करे जतन रहे निर्गुण होए के प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम अक्षरातीत ने कलश के इस प्रकरण में ब्रह्मात्माओं के लक्षण बताए। वैसे तो सबके दो हाथ दो पैर दो आंखें दो कान होते हैं, कैसे देखकर विवेचना की जाए कि कौन ब्रह्म सृष्टि है कौन ईश्वरी सृष्टि कौन जीव सृष्टि। वैसे तारतम ज्ञान का प्रकाश मिलने के बाद हर व्यक्ति को यह भाव रखना चाहिए कि मैं परम धाम की ब्रह्मात्मा हूँ। परम धाम की ब्रह्मात्मा का भाव रखकर यदि कोरा से कोरा जीव भी उस आचरण को अपनाने का प्रयास करता है तो जो ब्रह्म सृष्टि का जीव जिस लक्ष्य को प्राप्त करेगा अर्थात ससुर की पहली बहिष्ठ में जाएगा, कोरा से कोरा जीव भी उसी लक्ष्य को प्राप्त करेगा। यदि ब्रह्म सृष्टि का जीव सस्वरूप की पहली बहिष्ट में जाता है जागृत होकर के, तो कोरा से कोरा जीव भी चितवनी करके ब्रह्म सृष्टियों जैसा आचरण करके सस्वरूप की पहली बहिष्ट का अधिकारी बन सकता है। ईश्वरी सृष्टि के साथ ये बात जुड़ी हुई है कि ईश्वरी सृष्टि अपने जीव के साथ सत्स्वरूप के दूसरी बहिष्ठ का ही अधिकारी बन पाएगी। वैसे तो प्रेम की राह पर चलना संसार के जीवों के लिए बहुत कठिन होता है। देखिए कर्मकांड का पालन करना बहुत सरल होता है, किंतु जिसको प्रेम कहते हैं अनन्य प्रेम कहते हैं उस मार्ग पर चलना एक असंभव सा कार्य होता है जीव सृष्टि के लिए। किंतु कदाचित जीव सृष्टि ने अपने त्याग से यह दर्शा दिया कि मैं भी ब्रह्म सृष्टि की तरह चल सकती हूं तो शायद उसको वो शोभा मिल जाएगी। ब्रह्म सृष्टि का जीव भी वही होता है और कोरे से कोरा जीव भी वही होता है, सभी तो आदि नारायण की ही चेतना की प्रतिभास है। अंतर केवल इतना ही होता है कि ब्रह्म सृष्टि की संगति के कारण उस जीव में इश्क और ईमान का विशेष गुण हो जाता है। सबसे बड़ी संपदा क्या है? ईमान इश्क शुक्र गरीबी सबर, ये पांच चीजें हैं जो इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी दौलत है। आप अरबों खरबों का धन कमा सकते हैं किंतु आपके पास ये पांच चीजें नहीं हैं तो आप कंगाली कहे जाएंगे। आप झोपड़ी में रहते हैं लेकिन आपके पास राज्य के लिए अटूट प्रेम है, अटूट समर्पण, अटूट विश्वास, जिसको ईमान कहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे देखिए सीता का राम पर अटूट ईमान है, मरना स्वीकार है लेकिन राम को छोड़कर रावण को प्रीतम बनाना स्वीकार नहीं है, सोने की लंका स्वीकार नहीं है। राम के साथ वनों में रहना सीता के लिए वैकुंठ जैसा सुखदाई है लेकिन सोने की लंका में रहने पर एक एक पल सीता के लिए कष्टकारी लग रहा है। उसी तरह से परम धाम की ब्रह्मात्मा चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी कष्ट पड़ जाए, अभी आपने चौपाई सुनी आकीन न छूटे सुहागिनी जो परे अनेक विघ्न प्यारी पीव के कारण देह को न करे जतन।
हम सब सुंदर साथ देखें तो दुनिया में एक से एक धनवान हमारे से ज्यादा है। अमेरिका के लोग, यूरोप के लोग हमसे ज्यादा धनवान हैं, हमसे ज्यादा सुंदर हैं, हमसे ज्यादा अच्छे भवनों में रहते हैं। लेकिन भारत की महिमा क्यों बताई गई? क्योंकि वाणी कहती है, और सारी जिमी खारी, खारे जल मोह जल, बीता के मंगलाचरण में कहा गया है कि सारे दुनिया क्या है, एक माया का स्वरूप है। और इस पूरी ब्रह्मांड में बुंदेलखंड की धरती को श्रेष्ठ कहा गया, भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ। और इस भारतवर्ष में सबसे श्रेष्ठ कौन सा स्थान बना गया, माना गया, जहां अक्षरातीत के चरण कमल पड़े, जहां खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी उतरी, जहां परम धाम की चारों किताबें खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का अवतरण हुआ। सुंदर साथ ने श्री जी के नेत्रों से परम धाम के प्रेम का रसपान किया, उनकी सानिध्यता में बैठकर उनके मुखारविंद से जो चर्चा मिली सुनी, तो यहीं बैठे बैठे सब सुंदर साथ को परम धाम का दर्शन हुआ, जो सौभाग्य संसार में किसी भी अन्य स्थान को नहीं मिला। आप सोचेंगे कि 5000 की जमात में तो केवल 500 ब्रह्म सृष्टि थी, 1500 ईश्वरी सृष्टि थी और 3000 जीव सृष्टि थी। क़यामत नामा में इस संबंध में साक्षी दी गई है कि 500 जुल जुलाटू संग रसूल के, अर्थात 500 ब्रह्मात्माएं श्री जी के साथ पन्ना जी में थे। तो प्रश्न ये होता है कि जिन सुंदर साथ ने अपना घर द्वार छोड़ा, उनको क्या मिला? भले ही वो जीव सृष्टि थे तो क्या जी, उनमें से जिसने भी श्री जी को साक्षात अक्षरातीत माना होगा, अटूट प्रेम का मार्ग अपनाया होगा, अटूट समर्पण का मार्ग अपनाया होगा, चितवनी की होगी और अपनी रहनी को कैसे दर्शाया होगा, इस प्रकरण में दिया गया है कि कैसे उनके लक्षण होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं किया गया है कि जिसमें वो लक्षण न हो वह हतोत्साहित हो जाए। सारे संसार के लिए एक आह्वान किया गया है कि हर प्राणी इन लक्षणों को ग्रहण करे। कदाचित वह कोरा से कोरा जीव भी होगा, उन लक्षणों को ग्रहण कर लेगा, प्रेम के मार्ग पर चलेगा, तो परम धाम की ब्रह्मात्मा का जीव जहाँ जाएगा, परमात्मा तो अपने मूल तन में जाएगी, परात्मा में जाएगी, लेकिन उसका कोरा कोरा जीव चितवनी के द्वारा, प्रेम के द्वारा, समर्पण के द्वारा सत्स्वरूप की पहली बहिष्ट का अधिकारी बन जाएगा। ब्रह्मात्माओं के इस माया में आने से पहले संसार में एक से एक महापुरुष हो चुके हैं। आप देखिए तो हम सुंदर साथ में बुद्ध जैसा तपस्वी तो कोई दिखता नहीं है। 7 वर्ष वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करना, अन्न का एक एक दाना खाना हम सुंदर साथ से तो नहीं हो पाता। 2.5 वर्ष तक गंगोत्री के पास गुफा में, जहाँ बर्फ सालों भर रहती है, 40 से भी ज़्यादा नीचे तापक्रम रहता है, केवल लंगोट पहनकर बिना कंबल के, बिना किसी आसन के पत्थर की शिला पर बैठ करके ध्यान करना दयानंद के लिए संभव था, हमारे आपके लिए तो संभव नहीं है। महावीर स्वामी जैसा कष्ट हम नहीं झेल सकते, रसखान जैसी प्रेमयी भावुकता हमारे अंदर नहीं है, मीरा जैसी दीवानगी हमारे पास नहीं है। आखिर क्या विशेषता है जो कहा गया है कि चन रंज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके तरे गुण? यह सत्य है कि परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में आई हैं तो यह ब्रह्मांड अखंड हुआ है। क्या देखें हम दुनिया जो इनको न करे अखंड, ब्रह्मात्माओं के कारण तुम खेल में आए वास्ते करी कायम जिमी आसमान, तीन सबके खुदा तुमको किए बीच सर्वर लाहौत सुबान। राजी क्या करें, परम धाम की आत्माओं तुम इस माया की दुनिया में आई हो, इसलिए तुम्हारे आने के कारण इस 14 लोकों के ब्रह्मांड को मुझे अखंड करना पड़ेगा और तुम्हारे जीव सत्स्वरूप की पहली बहिष्ट में ब्रह्मात्माओं की नकल का रूप धारण करके बैठेंगे और शेष अन्य 7 बहिष्टों वाले उनको अक्षरातीत की ब्रह्मात्मा समझ करके प्रणाम किया करेंगे। मेरे गुण अंग खड़े हो से 88 आकार मिहिराज का जीव राज्य की नकल का रूप बन जाएगा और देवचंद जी का जीव श्यामा जी का स्वरूप धारण कर लेगा। परिणाम क्या होगा, ये 7 बहिष्टों वाले ये समझेंगे कि ये परम धाम की ब्रह्मात्माएं ही हैं,
इसलिए इस जागने के प्रमाण में ये पहचान करना बहुत जरूरी है कि हमारा आध्यात्मिक स्तर क्या है। यह प्रकरण निराशा करने के लिए नहीं है, हमें इस प्रकरण को सकारात्मक भाव से लेना चाहिए कि हर व्यक्ति हर सुंदर साथ इस प्रकरण को पढ़कर आत्मचिंतन करें कि हमारे अंदर अभी कमियां क्या हो रही हैं। ऐसा न समझिए कि कर्मकांडों के पालन करने से कोई ब्रह्मसृष्टि बन जाएगा। ब्रह्मसृष्टि के लक्षण हम अपने हृदय में विकसित कर लें। हम ब्रह्मसृष्टि हो चाहे ना हो, यह भाव रखिए कि मैं परम धाम की ब्रह्मात्मा हूं, क्योंकि राज्य सबके हैं, सबका समर्पण स्वीकार करते हैं, सबका प्रेम स्वीकार करते हैं। यदि आपके अंदर ब्रह्मसृष्टि के जीव जैसा प्रेम होगा तो आपको सत्स्वरूप की पहली बेस्ट क्यों नहीं मिलेगी। आशावाद ही अस्तिकता है, निराशावाद ही नास्तिकता। यदि अक्षरातीत न्याय के सिंहासन पर बैठे हैं तो इस जागने के ब्रह्मांड में वो देखेंगे कि कौन सा व्यक्ति कितने त्याग और समर्पण के साथ मेरे से प्रेम कर रहा है, चाहे वो ब्रह्म सृष्टि का जीव हो, चाहे ईश्वरीय सृष्टि का जीव हो, चाहे कोरा से कोरा जीव हो। अब इसमें आप सुनिए, इस प्रकरण की शुरुआत होती है इस चौपाई से कि पार वतन जो सुहाग्नि ताकि नेक कहूं पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निदान। अभी जो चौपाई पढ़ी गई, रहवे निर्गुण होय के और आहार भी निर्गुण, रहनी निर्गुण होनी चाहिए और आहार भी निर्गुण होना चाहिए, इसका क्या आशय है? पहले मैंने आपको कह दिया पांच जो संपदा है वो ब्रह्मसृष्टियों की संपदा है। पहली क्या है? अटूट ईमान। ईमान किसको कहते हैं? अटूट आस्था, अटूट विश्वास जो सीता का राम के प्रति था, राधा का कृष्ण के प्रति था, और हर ब्रह्मात्मा को वैसे ही अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत के प्रति होनी चाहिए। देखिए संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है एक दिन नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। सकुमार की आत्मा औरंगजेब के तन में है, वो देख रहा है कि मेरे सामने जिनको मैं खोज रहा था आखरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिबुज जमा के रूप में खुद अल्लाह ताला आया, क्योंकि क्यामत के समय कौन आया गया? कया खुदा मिताउसी फरदा रोज क्यामत। औरंगजेब कुरान को पूरा रटा पड़ा था, वो जानता है कि क्यामत, कोई कहा गया है कुरान के अंदर कि क्यामत के समय तुम अल्लाह का दीदार करोगे, सबके न्यायाधीश के रूप में अल्लाह ताला आएगा। तो आएगा किसके रूप में? नूरी तन से तो आएगा नहीं, मोहम्मद साहब के रूप में, संदेशवाहक के रूप में आता है, लेकिन आएगा तो इमाम महदी के रूप में आएगा। वो जानता है, सब कुछ पढ़ता है, लेकिन देखता है कि मैं शरीयत पर अब तक चलता रहा, शरीयत के पालन कराने के लिए मैंने न जाने कितनों का, लाखों का खून बहा दिया होगा, और इसी शरीयत की रक्षा के लिए अपने भाई दारा सिकोह को मैंने कत्ल करवाया, क्योंकि वो शरीयत से परे तरीकत हकीकत के राह पर चलने का आकांक्षी था। वो सोचता है कि मेरे जो दरबारी हैं उन्हें वे भी धमकी दे रहे हैं कि यदि मैं उस हिंदू वैरागी के चरणों में चला जाऊंगा तो मुझे मार डालेंगे। दूसरी तरफ सोचता है कि मैं नहीं जाता हूं तो क्या होगा, पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत मेरे कदमों में रहेगी, इसलिए मुझे बादशाहत चाहिए। और बादशाहत के पीछे वो अपने अल्लाह ताला को पीठ दे देता है, शर्त रखता है कि श्री जी यदि आप शरीयत पर प्रहार न करें, शरीयत को माने, तो मैं आप का दिया हुआ ज्ञान ग्रहण कर लूँगा और आपको बदले में यह चीज़ दे दूँगा, इतने घोड़े दूंगा, इतने हाथी दूंगा, इतनी जागीर दे दूंगा। बादशाह है, सत्ता का अहंकार है, पैसे का अहंकार है, वो श्री जी को भी उसी नज़र से देख रहा है। लेकिन जब मरने का समय आता है तो उसी औरंगजेब को प्रायश्चित होता है कि खुद खुदा मेरे घर चलकर आया था, लेकिन सत्ता के मद में अंधी आंखें उनके स्वरूप की पहचान नहीं कर सके, उनके स्वरूप का नूर नहीं देख सके। होता तो यही सबसे होता है, जब दमदमाता हुआ यौवन होता है तो मनुष्य का चिंतन बहुत कम होता है अध्यात्म के प्रति, लेकिन युवावस्था में जब यौवन अपने पूरे स्वभाव पर होता है, मनुष्य संसार की नश्वरता का यदि बोध कर ले, शरीर की नश्वरता का बोध कर ले, संसारिक सुखों की नश्वरता का बोध कर ले, इनकी सारहीनता का अनुभव कर ले, और एक सच्चिदानंद परब्रह्म से अटूट प्रेम कर ले, अटूट समर्पण दिखाए, अपने हृदय में विकारों का कोई स्थान न दे, तो इसको क्या कहेंगे? उसी व्यक्ति को कहते हैं विवेकवान, अन्यथा तो सारा संसार एक प्रवाह में चलता जा रहा है।
देखिए संसार में क्या सुख है। अभी मैंने एक जानकारी पाई कि पूरी दुनिया में 70% मांसाहारी लोग रहते हैं, सारा हिसाब लगाया जाए तो 30% ही शाकाहारी है। 70% जो मांसाहारी हैं उसमें काफी लोग ऐसे होंगे जो शराब के बिना रह नहीं सकते होंगे। हाँ, मुस्लिम वर्ग शराब बहुत कम पीता है, चोरी छिपे वो भी पीते हैं, लेकिन पूछा जाए शराब में कोई स्वाद है नहीं, मांस में कोई स्वाद है नहीं, लेकिन दुनिया इसके पीछे पागल है। होली के दिन देखिए हिंदू भी कितना मांस खाता है, शराब पीता है, नशे करता है, धर्म की चादर ओढ़ कर ही। तो पूछा जाए मांस में क्या स्वाद है, कच्चे मांस को तुम खा नहीं सकते। उस पशु की पीड़ा पूछिए, उस शेर और बाघ की पीड़ा पूछिए, उनको व्यवस्था है मांस खाना, मांस खाने में उनको कोई स्वाद नहीं मिलता, लेकिन खाएंगे क्या, वो घास तो खा नहीं सकते। इसी पाप के कारण उनको नरक की योनि भोग रहे हैं, क्योंकि उनको जानवर को मारना है और कच्चा मांस खाना है, और मरने के समय भूख से तड़प तड़प कर मरना है, क्योंकि बुढ़ापे में शेर किसका शिकार करेगा, तड़प तड़प कर अपना ही खून पी पी कर शेर मरता है। ये संसार कर्मभूमि है। शराबी को देखिए, शराब में पूछा जाए कौन सा आनंद है, कोई आनंद नहीं, लेकिन उसके बिना वो रह नहीं पाएगा। अफीमची को देखिए, अफीम के में क्या स्वाद है, कुछ नहीं, लेकिन अफीम के बिना वो पागल हो जाएगा। सारी बात तो छोड़िए, तम्बाकू कैसी गंदी चीज है, तम्बाकू के बिना मनुष्य नहीं रह पाता। कहीं कहीं तो सुंदर साथ को भी देखने में आता है, वो भी छिप छिप करके तम्बाकू खाते हैं। आपने किसी जानवर को देखा है, ऊंट हर चीज को खा जाएगा, बकरी हर चीज को खाती है, लेकिन बकरी भी तम्बाकू के पौधे को छूती नहीं, ऊंट भी नहीं छूता, गधा भी नहीं छूता। और जिसको मनुष्य कहा गया है कि वो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, देखिए मनुष्य को खाने के लिए 56 भोग बनते हैं, एक से एक स्वादिष्ट मिठाइयां हैं, एक से एक स्वादिष्ट फल हैं। वो अपने रहने के लिए वातानुकूलित कक्ष बनाता है, सारी सुखों का उपभोग वह करता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है। लेकिन जिसको व्यसन का नशा लग जाता है, शराब का, मांस का, गुटखे का, तम्बाकू का, वो छोड़ नहीं पाता। सामान्य व्यक्ति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां जिनके पास होती हैं, जो यूनिवर्सिटियों में पढ़े होते हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे होते हैं, उनको भी ये नशा लग जाए तो ये नशा छूटता नहीं है, जबकि सार नहीं है इसमें, कुछ भी सार नहीं है। तम्बाकू को जीवा के नीचे रखिए, पूछिए कैसा लग रहा है, तो कहेंगे कोई स्वाद नहीं है, खट्टा मीठा नमकीन कुछ स्वाद नहीं, कड़वा ही लगेगा जहां तक मैं सोचता हूँ, ये तो खाने वाले जानते होंगे। लेकिन उसके बिना बेचैनी देखिए, वही संसार है। जिन विषयों के पीछे मनुष्य भाग रहा है, उन विषयों में कोई सार नहीं है, और इन्हीं विषयों के पीछे भागते भागते एक दिन बुढ़ापा आ जाता है, मौत उठा ले जाती है। राजकुमार सिद्धार्थ को बुद्धत्व प्राप्त करने में कितने वर्ष लगते हैं, 6 वर्ष 7 वर्ष। महावीर स्वामी को तत्व ज्ञान प्राप्त करने में कितने वर्ष लगते हैं, 12 वर्ष। मिहिराज को केवल 6 महीने में अक्षरातीत के चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त हो गया, युगल स्वरूप उनके धाम हृदय में बैठ गए। आप 6 महीना नहीं, आपको 6 वर्ष दिए जाते हैं, आप 6 वर्ष में तो अपनी आत्मा को जागृत कीजिए। लेकिन आपको अटूट विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं परम धाम की आत्मा हूं, नहीं भी हूं तो भी विश्वास रखिए कि मैं परम धाम की आत्मा हूं, और इसके लिए आपको सभी अभक्ष्य पदार्थों का त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके त्याग किए बिना आप कभी भी अध्यात्म के शिखर तक नहीं पहुंच सकते। आप सोचते होंगे कि मैं क्यों मना करता हूं आपको, देखिए कर्मकांड का जो मार्ग है वो बहुत सरल सीधा साधा मार्ग है, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहा हूं। आप खूब लहसुन प्याज खाइए, खूब मिर्चा खाइए, 10-10 कप काफी पीजिए, लेकिन सेवा पूजा आपको याद हो जाएगी तो बढ़िया से आप सेवा पूजा कर लेंगे, 100, 200, 400, 500 चौपाइयां भी पढ़ लेंगे, ये कर लेना बहुत सरल है। लेकिन आप ये नियम सब पर नहीं थोप सकते कि नहीं देखो मैं भी तो राजी पर ईमान रखता हूँ, मैं भी वाणी पढ़ता हूँ, मैं भी सेवा पूजा करता हूँ, तो लहसुन प्याज मिर्चा खाने में, गरम मसाले खाने में क्या दोष है, मैं
गुटखा भी खा लेता हूं तो मेरा क्या नुकसान है? आप सच कह रहे हैं, शरीयत में कोई कठिनता करने की जरूरत नहीं है। आंखें बंद करके जो प्रार्थना की जाती है, मेहर सागर का पाठ कर लिया, मूल मिलावे का पाठ कर लिया मन ही मन, तो वो तरीकत कहलाती है, वो भी चल जाएगा। किंतु हकीकत और मारिफत पर आप नहीं चल सकते हैं। यदि हकीकत के मार्ग पर चलना है, मारिफत की मार्ग की राह पर चलना है, साक्षात राज्य को देखना है, राज्य से बातें करनी है, वो मार्ग कहलाता है हकीकत और मारिफत। उसमें इन अभक्ष पदार्थों का त्याग किए बिना आप एक कदम भी चल नहीं पाएंगे। आप तीखी तीखी मिर्चें खूब खा करके बैठ जाइए, उसमें लहसुन भी पड़ा हो, मिर्च भी पड़ा हो, गर्म मसाले भी पड़े हों, तो क्या होगा? चितवनी आपकी कहाँ लगेगी? आप याद करते रहेंगे 64 थंब आए हैं, राज्य के गले में 5 आ रहे हैं, केवल याद करेंगे। जिसको ध्यान कहते हैं वो ध्यान नहीं लग सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं लगा सकता। यदि कोई कहता है कि मेरा ध्यान लग गया था, मुझे राज्य का अनुभव हुआ, तो वो सफ़ेद झूठ बोल रहा है। सफ़ेद झूठ जिसको किसको कहते हैं? ऐसा झूठ जो दूसरों को धोखा दे करके कहा जाए, वो सफ़ेद झूठ, प्रत्यक्ष झूठ हो लेकिन कहा जाए कि यह सच है। इसलिए जितने बड़े बड़े परमहंस हुए हैं, जब उन्हें परम तत्व की प्राप्ति होनी होती है तो अपने आहार को अत्यधिक सात्विक कर लेते हैं। उनका जीवन सभी राग द्वेषों से परे हो जाता है। इसको कहते हैं रेहवे निर्गुण होए के आहार वे निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कभू न दुखावे किन। तीन चीजें बताई गई है। हमारा आचरण निर्गुण होना चाहिए। निर्गुण होने का तात्पर्य क्या है? संसार में 5 ही विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण है स्पर्श, अग्नि का गुण है रूप, जल का गुण है रस और पृथ्वी का गुण है गंध। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में संसार के सारे प्राणी फंसे पड़े हैं। देखिए शब्द के गुण में कौन फंसा पड़ा है? जब मधुर बांसुरी बजाइए, देखिए भालू भी वशीभूत हो जाता है, भालू भी मस्त होकर के नाचने लगता है। कानों को क्या चाहिए? मधुर आवाज चाहिए। आंखों को क्या चाहिए? रूप चाहिए। मनुष्य रूप पर ही तो पागल होता है। इस मिट्टी के चमड़े के सौंदर्य पर मनुष्य न जाने कितने पाप करने के लिए उतावला हो जाता है, कितनों का खून कर देता है। आपने इतिहास की घटनाएं देखी होंगी, किसी राजकुमारी को पाने के लिए कितनी लड़ाइयां हुई, कितने लोग मारे गए। स्पर्श के पीछे हाथी पकड़ा जाता है। शिकारी क्या करते हैं? कागज, काले कागज की एक हथनी बनाते हैं, बालू के ऊपर घास गड्ढा खोदकर घास बिछा देते हैं, काले कागज की हथनी रख देते हैं, हाथी उसका स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ता है, गड्ढे में गिर जाता है और बंधन में पड़ जाता है। भौरा किस पर मारा जाता है? सुगंध के ऊपर वशीभूत होकर के। एक एक इंद्रिय के वशीभूत होने के कारण ये बेचारे प्राणी अपना जीवन गंवा देते हैं। मछली जीवा के वशीभूत होकर के मारी जाती है। जो प्रकृति के पांचों विषयों पर नियंत्रण रखता हो, रेहवे निर्गुण होए के तात्पर्य क्या? उसको कोई आसक्ति न रह जाए, राज्य का प्रेम इतना उसको डुबोए रखे कि उसको शब्द स्पर्श रूप रस गंध में कोई आसक्ति ना रह जाए, घृणा न करे लेकिन इनमें कोई आसक्ति का बंधन ना रह जाए। परमधाम की ब्रह्मात्माओं को तो छोड़िए, योग माया के प्रतिबिंब और वेद ऋचा सखियाँ हैं, श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं। गोपियाँ कहती हैं मधुबन तुम कत रह तरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के तुम ठड़े क्यों नजरे। मधुबन तुम इतना हरा भरा क्यों दिख रहा है? हम कृष्ण के वियोग में सूख कर कांटियाँ हो गई हैं और तेरे पत्ते निकल रहे हैं, फूल निकल रहे हैं। गोपियों को सहन नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनको याद है किसी मधुबन में कृष्ण खेला करते थे और कृष्ण के वियोग में इस मधुबन को भी क्या हो जाना चाहिए? सूख जाना चाहिए था। कितनी विरह की पीड़ा है। संसार का सारा सुख उन गोपियों को मोह में डाल नहीं सकता था। कृष्ण के जाने के बाद राधा हो या गोपियां हो, उनको संसार फीका लगता है। एक एक मिनट संसार में रहने की इच्छा नहीं। वाणी क्या कहती है? यही विरह में छोड़ी दे सो पहुंची जहां स्वरूप सुनिए। विरह में तड़पते तड़पते उन्होंने शरीर छोड़ा और कहां पहुंच गई?
वेद ऋचा सखियाँ अपने स्थान पर गई, अभ्याकृत के महाकारण में गई, और प्रतिबिंब की सखियाँ कहाँ गई, जहाँ से आई थी, सबलिक के कारण में जो ब्रजलीला थी उसमें प्रतिबिंब की सखियाँ गई। विरह और प्रेम की यह कहानी है। यदि आपको तारतम ज्ञान का प्रकाश मिल गया, आपको पता चल गया कि मूल मिलावे में राज्जी हैं, तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए? मैं ये नहीं कहता कि आप फीका खाना खाइए, आप नमक छोड़ दीजिए, मिर्च छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा संतुलित तो भोजन कीजिए जो आपकी चितवनी में बाधक ना बन पाए। यदि आप छिप छिप करके खूब लहसुन खाएंगे, लहसुन में खाने में कोई पाप नहीं है, लेकिन उसको खाने से उत्तेजना तो मन में आएगी। खूब गर्म मसाले खाएंगे तो आपका मन अशांत रहेगा, तंबाकू खाएंगे, गुटखा खाएंगे तो तभी मन आपका शांत रहेगा। किसी भी तरह का नशा आपकी बुद्धि को मलिन करेगा, और मांसाहारी और शराबी व्यक्ति को तो अध्यात्म में प्रवेश करने का ही अधिकार नहीं होता, वो तो पहला बंधन है। यदि आप अपने जीवन को अध्यात्म के सांचे में ढालना चाहते हैं तो आगे चौपाई क्या कह रही है, साफ दिल सुहागनी कभू न दुखावे किन। आप मन से, वाणी से और कर्म से किसी का हृदय न दुखाइए। मांस ऐसे तो नहीं मिलता है, एक मुर्गे को काटिए कितनी पीड़ा होती है, हमारी उंगली में कांटा धंसता है तो कितना कष्ट होता है, उस मुर्गे की गर्दन काटी जाती है, उस बकरे की गर्दन काटी जाती है, वो तड़पता रहता है, फिर उसके मांस को टुकड़े टुकड़े करके भोजनालय में उसको मसाले डाल डाल करके पकाया जाता है और मनुष्य खा लेता है। मानव जीवन इसके लिए नहीं बना है, मानव जीवन बना है सच्चिदानंद परमात्मा को पाने के लिए, जन्म मरण के चक्र से छूटकर अखंड आनंद को पाने के लिए। संसार के विषयों में कोई सुख नहीं है, कोई शांति नहीं है, ये विषय ही तो मनुष्य के पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। यदि मनुष्य विषयों की कामना छोड़ दे, शरीर छोड़ते समय केवल परमात्मा का ही ध्यान करे तो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसके चित्त में जो वासना बनी रहती है कि मैं यह सुख भोग लेता, यह सुख भोग लेता, यही तो उसके पुनर्जन्म का कारण है। जैसे मैंने कई बार चर्चा में कहा है, राजा भरत जब भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे, वन में जाते हैं, एक हिरण के बच्चे को पालने लगते हैं, क्योंकि हिरनी के बच्चों में हिरनी पर सिंह ने आक्रमण किया था, हिरनी नदी को छलांग लगा देती है, नदी के ऊपर से उसका बच्चा गर्भ में गिर जाता है, और भरत मुनि उसको पकड़ करके लाते हैं, पालने लगते हैं, हिरनी का तो प्राण छूट गया होता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है, भरत को मोह हो जाता है कि इस बच्चे को कौन देखभाल करेगा मेरे मरने के बाद। उनका ध्यान भक्ति में कम लगता है, अब हिरण के बच्चे में ज़्यादा लगता है। मरते समय वो परमात्मा के ध्यान में नहीं मरे, हिरण के बच्चे की चिंता में मरे कि इसका क्या होगा परिणाम, उनको हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ता है। यदि आपको मरते समय मांस खाने की तृष्णा आ गई तो आपका जन्म निश्चित है कि ऐसी पशु योनि में होगा कि जिसमें आप अपनी तृष्णा को पूरी कर सकें। सिंह में जन्म होगा, किसी कीड़े पतंगे में भी जन्म हो सकता है जिसमें मांसाहारी करना पड़े, तब उससे घृणा आई होगी कि मैं किस नरक में फंस गया हूँ। एक चीता चाहे, शेर चाहे, बाघ चाहे कि मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊँ, तो जो उसकी उम्र है उसको पूरी किए बिना कैसे मरेगा। वैसे ही यदि आपने विषयों की तृष्णा का त्याग कर दिया, और सच बात है जिसको ध्यान का नशा मिल गया वो कभी पाप के मार्ग पर जाएगा भी नहीं। कदाचित उसके पैर फिसलते हैं तो अंतरात्मा से आवाज आएगी कि नहीं तू गलत कार्य कर रहा है। यदि वो करना भी चाहेगा तो कोई अलौकिक शक्ति उसको रोक देगी, किंतु कोई सच्चे हृदय से ध्यान करे तो कर्मकांड का मार्ग बहिर्मुखी होता है। कोई संस्कारित व्यक्ति यदि कर्मकांड का मार्ग अपनाता है तो कभी कभी उसके संस्कारों के कारण प्रेरणा मिल सकती है। हाँ, हरदास जी जैसी निष्ठा से कोई कर्मकांड का मार्ग अपनाता है तो उसे बहुत कुछ उपलब्धि हो सकती है। लेकिन देखिए, हरदास जी को दर्शन कब हुए थे, जब उन्होंने शरीयत का मार्ग छोड़कर उपवास रखा और रात्रि को उसी चिंतन में बैठ गए थे, तो परिणाम क्या हुआ, उस त्याग के बदले उनको आधी रात को हरिदास जी को दर्शन होता है, अन्यथा वो भी नहीं होना था। ब्रह्मसृष्टि को क्या करना होगा, रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण,
मैंने आहार के बारे में बताया कि देखिए आहार क्या होता है। आहार में 6 रस होते हैं, कटु अम्ल, खट्टा, कड़वा, तीखा, कसैला, नमकीन, कटु अम्ल, लवण, अति उष्ण, ये सारे 6 रस होते हैं। आपको बताइए मीठा रस है, मीठा, कड़वा, कसैला, नमकीन, तीखापन और चरपड़ा, ये 6 रसों के सेवन में हम लग जाते हैं। देखिए किसी को सुपारी खाने की आदत लग जाती है तो छूटती है, सुपारी में कोई नशा नहीं, तो लेकिन कड़वा है, उससे कहिए कि ये मत खाओ, ये नुकसान करेगी। और जानते हैं तंबाकू से क्या नुकसान होता है? तंबाकू में निकोटीन नाम का विष होता है, यह विष इतना हानिकारक है कि यही कैंसर को जन्म देता है। आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाइए और जिनको मुख के गले के कैंसर होते हैं जाकर के देखिए उनकी कितनी दुर्दशा होती है, कैसे बुरी तरह से ऑपरेशन हुआ होता है। आप अपने घर पर इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो तंबाकू को खाकर उस कपड़े पर थूक दीजिए, उसको एक दिन पड़े रहने दीजिए और अगले दिन जाकर धोने का प्रयास कीजिए। आपको पता चलेगा कि कपड़े में से उसके दाग बहुत मुश्किल से मिटेंगे। तो आप होठों के नीचे यदि तंबाकू को चबाते हैं, सोचिए उसका रस आपके गले में क्या असर कर रहा है। उसमें कोई विटामिन नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, फिर भी एक तृष्णा का नशा होता है, वैसे ही विषयों का नशा होता है। मैंने कहा कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय होते हैं। इन्हीं 5 विषयों के बंधन में पड़ा हुआ प्राणी संसार के सभी दुखों का भोग करता है, और 5 विषयों में ही संसार के सभी सुख समाहित हैं। किसी के पास सारी दुनिया की दौलत दे दिए जाए, सारी पृथ्वी का अकेले मालिक बना दिया जाए तो क्या करेगा? अच्छे संगीत सुनने की व्यवस्था कर सकता है, अच्छे वाहन खरीद सकता है, अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ खा सकता है, अच्छे रूप वाले संसाधन इकट्ठे कर सकता है कि मैं सौंदर्य को देखता रहूं, स्पर्श का सुख प्राप्त कर सकता है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके क्या शांति मिलेगी? अफीमची को खाते खाते सारी उम्र गुजर जाती है, कभी उसको अफीम खाने से शांति नहीं मिलती है। शराबी की उम्र शराब पीते पीते अपना लीवर खराब कर लेता है, कैंसर हो जाता है, तो भी उसको शांति नहीं मिलती है। मांसाहारी मांस खाते खाते 100 जन्म बिता दे, 1000 जन्म बिता दे, उसको शांति नहीं मिलती है। लेकिन यदि आपको विवेक मिल जाए, सांख्य दर्शन में कपिल जी ने क्या कहा है, अहि निवलनीवत, एक सूत्र में कह दिया, जैसे सर्प केचुली को छोड़ने के बाद ही शांत सुख पाता है, वैसे ही मनुष्य जब तक विषयों का त्याग नहीं करता तब तक उसको सुखी नहीं माना जा सकता। अगला सूत्र क्या आता है, छिन्न हस्तवत्वा, जैसे उंगली में आपके सर्प काट देता है तो क्या करते हैं, उसको तुरंत काटते हैं या चीरा लगाकर खून बहा देते हैं। आपके अंदर यदि विषय का विष चला गया तो वह विष आपको पुनर्जन्म में ले जाने के लिए मजबूर करेगा। इससे मनुष्यों ने क्या कहा है, दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषादपि, विषय का विष काले सर्प के विष से भी अधिक भयंकर होता है, क्योंकि काले सर्प का काटा हुआ व्यक्ति तो एक ही बार मरेगा, लेकिन विषय का विष जिसके अंदर प्रवेश कर जाता है वो जन्म जन्म में भटकता रहता है। दृष्टारम चक्षा अपियम, विषम निहंति भोक्तारम दृष्टारम चक्षा अपियम, विषय का विष 84 लाख योनि में जीव को भटकाता रहता है। काला सर्प तो एक बार मारेगा, विषय तो लाखों जन्मों में भटकाता रहता है। इससे जो तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं इनको पहले ही छोड़ देते हैं। ब्रह्मसृष्टि क्या करेगी, राज्य की वाणी को पाने के बाद यदि उसको पता चल जाता है कि मेरे दिल में ही राज्य रहते हैं, जैसे पहले पैदल यात्राएं सुंदर साथ भी किया करते थे, पैदल चलकर जैसे गुजरात से भी पैदल यात्रा का संघ चला करता था पन्ना जी के लिए, और आज भी गुजरात में जब जाइए तो कहीं देवी के लिए पैदल यात्रा का संघ चलता है, कहीं लोग पैदल चला करते हैं, कहीं कहीं लेट लेट करके चला करते हैं, उनके अंदर की श्रद्धा होती है। उस युग में
जब कोई आने जाने का संसाधन नहीं होता था तो यात्रा की जाती थी। कितना कष्ट होता है यदि आपको 10 किलोमीटर पैदल चलने के लिए कहा जाए, लेट लेट का परिक्रमा करने के लिए कहा जाए, तो कितना कष्ट होता है। लेकिन यदि आपको बता दिया जाए कि सच्चिदानंद परब्रह्म कहीं नहीं मिलेंगे, आत्मा के हृदय में मिलेंगे। तारतम ज्ञान की महिमा क्या है कि उसने बता दिया कि हक नजीक सहरक से, ये आज तक कोई नहीं बताया। ये जरूर है कि इसके पहले ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि हृदय में, जो हृदय प्रदेश है उसमें हमारा चैतन्य रहता है और उस चैतन्य के अंदर हमारे परमात्मा का अस्तित्व है। लेकिन किसकी प्राप्ति होती थी? नारायण की। यह आत्मन तिष्ठत यंत्रो यम आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम, आज से लाखों वर्ष पहले याज्ञवल्क ने कह दिया था कि जो आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से रहता है, जिसको आत्मा का बोध नहीं हो, जिसको आत्मा नहीं जानती, तो आप कह सकते हैं कि यह ज्ञान तो पहले भी था। ऐसा नहीं है, पहले अक्षरातीत का तो ज्ञान नहीं था। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कह दिया कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से तिष्ठते अर्जुन। ईश्वर का, ईश्वर किसको कहते हैं? जो इस समस्त सृष्टि का संचालक है। लेकिन इस समस्त सृष्टि से परे भी तो बेहद है, बेहद से परे अक्षर है। वेदांत में ईश्वर किसको कहा गया है? आदि नारायण को, महाविष्णु को। संसार अपने हृदय में ध्यान करके पहले किसको पाता था? समाधि लगा करके नारायण का दर्शन करता था, निराकार तक की प्राप्ति करता था। आपको तारतम ज्ञान के द्वारा अक्षर अक्षर से परे अक्षरातीत का बोध करा दिया गया है। हक इलम जित पहुंचा तित अर्श हुआ दिल हक, आपने वाणी में कई जगह पढ़ा हुआ होगा, अर्श दिल मोमिन कहिया दोनी दिल अब्लिस। तो आपके मन में यह संशय जरूर होता होगा कि संसार वालों में से एक बड़े योगी यति हुए, तो उनके दिल को क्यों कहा गया कि अब्लिस की बैठक है और हमारे दिल में राज्य की बैठक है, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि उनका हृदय निर्मल तो हो गया था, वासनाओं से परे हो गया था, किंतु उनको अक्षरातीत का ज्ञान नहीं था। और आपको संभव है, आपको विषय वासनाओं ने मोह में डाल रखा है, विषय से आप परेशान रहते हैं, लेकिन आपके पास राज्य का तारतम ज्ञान है, आपकी अटूट श्रद्धा है राज्य पर, तो आप 5 मिनट के लिए भी ध्यान करेंगे तो राज्य से समाजी का ही करेंगे। और जो गुफाओं में बैठे हुए हैं वो 5 साल का 50 वर्ष भी लगातार समाधि में रहते हैं, तो उनको तो अक्षरातीत का पता ही नहीं, वो किसका ध्यान करेंगे? निराकार का। जो जिसका ध्यान करेगा उसी को तो उसी की प्राप्ति होगी। इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको परम धाम का ज्ञान मिला है, तारतम ज्ञान का प्रकाश मिला है। इसलिए इस अनमोल घड़ी को जो गंवा देगा उससे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा। हृदय तो सबका एक ही होता है, संबंध का अंतर होता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, किसी देश का राजा वन में जाता है शिकार खेलने के लिए, वो रास्ता भूल जाता है, वन में वो झोपड़ी में रहता है, झोपड़ी में प्रवेश करता है भूखा थका मादा, क्योंकि रात हो गई है। झोपड़ी में एक किसान रहता है जिसकी एक कन्या भी है। राजा कन्या को देखकर आकर्षित होता है और उसे विवाह कर लेता है। तो जब तक राजा से उसका विवाह नहीं हुआ था, वो क्या थी? कन्या वनवासिनी थी, झोपड़ी में रहती थी। अब राजा से उसका विवाह हो गया तो कहाँ जाएगी? राजा के महल में जाएगी। बस इतनी सी कहानी है। परम धाम की आत्माओं के कारण अक्षरातीत के चरण कमल पड़े हैं इस संसार में। अक्षरातीत आए हैं तो सबके लिए आए हैं। कोरा से कोरा जीव भी अपने हृदय में प्रेम लेकर उनको रिझाए, राज्य उसको अवश्य मिलेंगे। इसलिए ऐसे अनमोल समय में जब परम धाम का ज्ञान अवतरित हुआ है, यदि कोई व्यक्ति किसी विषय का सेवन करता है, संसार में फंसता है, तो उसकी बदनसीबी को क्या कहा जाए? जिस अलौकिक ज्ञान के लिए ऋषि मुनि तरसते रह गए, आप आरती उतारते हैं तो उसके पहले क्या गाते हैं? पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड पार, शिव संकाद आदि के इच्छित शेष न पाए पार। भगवान शंकर गुफाओं
कैलाश की गुफा में खोजते रहे, दिन रात समाधि लगाते रहे। संकादिक 5 वर्ष की उम्र में घर द्वार छोड़कर निकल पड़े परमात्मा की खोज में। विष्णु भगवान क्षीर सागर में बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। सुखदेव घर जन्म लेते ही वन में निकल जाते हैं कि नहीं, मुझे माया में नहीं रहना है। ये सब थक जाते हैं खोज खोज पचिहारे, और आप को सीधे सरल शब्दों में जबरदस्ती कहा जाता है कि सुंदर सहज जी अक्षरातीत को अपने अपनी अंतरात्मा के हृदय में देखिए। हक नजीक सेहरक से आड़ो पटने द्वार, खोली आंखें समझ की देखती न देखे वरदार। राज जी को कहाँ देखना है, अपनी आत्मा के हृदय में। आप भाव बनाइए कि मैं परमधाम की आत्मा हूँ, अब मत सोचिए कि मैं जी हूँ, लेकिन अपने हृदय को इतना पवित्र बनाइए कि आपके हृदय का समर्पण राज्य के लिए हो। उस रसखान से पूछिए, है एक अफगानी पठान है, अफगान के रहने वाले मुसलमानों को पठान कहते हैं, उनको कृष्ण की मूर्ति देखकर ही भाव बन जाता है, कृष्ण के पीछे पागल हो जाते हैं वृंदावन में। कई कई दिन भोजन किए बिना बीत जाता है। रसखान तो एक मुस्लिम है, उनको तो तारतम्य ज्ञान भी नहीं मिला, वो कृष्ण के प्रेम में पागल हो सकते हैं और आप राज्य के प्रेम में पागल नहीं हो सकते। यदि इस समय का जो भी उपयोग करेगा, वाणी में क्या लिखा है, एक की बंदगी का 1000 गुना फल मिलेगा। संसार वाले हिमालय की गुफा में बैठकर जो ध्यान करते हैं उससे 1000 गुना फल। यदि आप अपने घर बैठकर राज्य की शोभा को दिल में बसाएं तो आपको उनसे 1000 गुना लाभ होगा। तो आप बताइए, यदि ऐसे सुनहले अवसर का भी कोई लाभ न उठाए तो उसको क्या कहेंगे। मैं उकट शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन आप सोचिए ब्रह्म सृष्टि का लक्षण क्या है। रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहाग्नि कभू न दुखावे के। 3 चीजें याद रखिए। पाप किसको कहते हैं, परोपकार पुण्याय। दूसरे को किसी तरह की पीड़ा न देना, परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम। मन वाणी कर्म से किसी को पीड़ा देना ही पाप है। आप ऐसा कटु वचन न बोलिए जिससे किसी के हृदय को पीड़ा हो, ऐसा कोई आचरण न कीजिए जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, और मन में भी किसी के लिए बुरे विचार न सोचिए, न सोचिए न कहिए न करिए। इसको कहते हैं मन वाणी कर्म से पाप न करना। सबसे बड़ा पुण्य कार्य क्या है, दूसरों का भला करना, किसी के दिल को न दुखाना। हम सुंदर साथ भी यदि ऐसे बन जाएं कि किसी का दिल न दुखाएं, चाहे मन से चाहे वाणी से या कर्म से, और 6 विषयों से हमें कोई आसक्ति न रह जाए, 6 रसों से, 6 और प्रकृति के 6 सुखों से, विषय सुखों से हमारी सुरता किस में लग जाए, केवल राज्य के प्रेम में। कम से कम यदि हम उन गोपियों को भी अपना एक क्या कहूँ आदर्श कहता हूँ तो आप कहेंगे कि गोपियाँ तो योग माया की थी, प्रतिबिंब और वेद ऋचाएँ सखियाँ तो योग माया की थी। अभी समय तो परमधाम की आत्माएँ आई हुई हैं, चलिए आप परमधाम की ब्रह्मात्मा हैं, लेकिन उन 36,000 प्रतिबिंब की और वेद ऋचा सखियों ने जो योग माया की थी, जो करके दिखा दिया, उसको तो कुछ हम आदर्श मान सकते हैं कि उन्होंने विरह में अपने सारा जीवन गुजार दिया। हम माया के विषय में कब तक भटकते रहेंगे। हमें तारतम्य लिए हुए 50 वर्ष बीत जाते हैं, 40 वर्ष बीत जाते हैं, हमारे पास चितवनी के लिए समय नहीं होता, अपने आहार को सात्विक बनाने के लिए समय नहीं होता, केवल हम शरीयत पर चलते रहते हैं कि हमने पाठ कर ही लिया, हमने ये कर लिया। लेकिन आप सोचिए आपने अपना हृदय कितना राज्य को दिया है। आप चितवनी में आपकी आंखों से विरह की 2 बूंदें नहीं गिरी, आपके अंदर तड़प नहीं पैदा हुई कि राज्य के मुखारविंद को देखो। वाणी क्या कहती है, रूह नैनो दीदार करे, रूह जुबां हक सो बोल, रूह कानो बातें सुने, यही पर रूह अरस का खो। जिसका जो स्तर होता है उसी स्तर से वो भक्ति करता है। शरीयत पर चलने वालों के लिए हकीकत मार्फत की राह पर चलना कठिन होता है, और हकीकत और मार्फत की राह पर चलने वालों को कहा जाए कि तुम्हें शरीयत पूरी करनी पड़ेगी, तो उनके लिए वो कठिन मार्ग है, क्योंकि
जो एमए की कक्षा में बैठता है उसको कहिए कि नर्सरी की किताबें तुम्हें पढ़ करके बतानी है, तो कहेगा कि मैं तो पागल हो जाऊंगा। और जो नर्सरी की क्लास में बैठता है उसको कहिए कि तुम एमए की किताब पढ़ करके बताओ, तो कहेगा कि हमसे नहीं होगा। लेकिन यदि नर्सरी वाले को ये नहीं थोपना चाहिए कि मेरी किताबें एमए वाले भी पढ़ें, समाज में यही सबसे बड़ी विसंगति है कि एक ही शरीयत का नियम सब पर थोपा जाता है। लक्ष्य सबको बताना चाहिए कि सबको एमए की कक्षा में बैठना है। एमए की कक्षा क्या है? सबको युगल स्वरूप पर अटूट ईमान के साथ, अटूट प्रेम के साथ, समर्पण के साथ चितवनी में डूबना है। और यदि सबने ऐसा कर लिया तो सबके लिए सत्स्वरूप की पहली बहिष्ट का दरवाजा खुल सकता है। लेकिन जीव सृष्टि को लाख समझाइए, कुछ भी कीजिए, वो अपनी राह नहीं छोड़ पाती है। वो तारतम ज्ञान का प्रकाश पाकर भी शरीयत को पूरा करके सोचती है कि मैंने सब कुछ कर लिया। राजीवाणी में सुहागनियों के लक्षण में आपने देखेंगे कहीं भी नहीं कहा है, कहीं जोर दिया गया है कि आपने माला पहनी है कि नहीं, आपने तिलक लगाया है कि नहीं, आपने इतना पाठ किया है कि नहीं, कहीं कुछ नहीं कहा जाएगा। गुण बताए गए हैं, जो कभी भूली वतन तो भी नजर तहां निदान। यदि उसने परम धाम को कभी भुला रखा है, तारतम ज्ञान का प्रकाश नहीं मिला है, और उसको किसी भी पंथ में ले जाया जाएगा कि देखो ये स्वामीनारायण भगवान है, ये हनुमान जी हैं, इनके गणेश जी हैं, इनकी पूजा करो, समाज के दबाव में, परिवार के दबाव में कर तो लेगी, लेकिन उसके हृदय को संतोष नहीं होगा। संतोष कब मिलेगा? जब राज्य के चरणों में जाएगी, तभी उसको पता चलेगा कि अब मुझे अपनी मंजिल मिली है। इस देवाणी कह रही है, रेवी निर्गुण हो के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहाग्नि कभू न दुखावेगी। ये ब्रह्म सृष्टि की पहचान है। पहले पहचान दे रखी है क्या राज जी ने? रूह का यही लक्षण अंदर बाहर नहीं दोए, तन दिल एक रूह कहियत है सो। जो उसके मुख पर हो, तन यानी मुख पर जवान पे हो, वही उसके दिल में हो, अंदर बाहर दोनों तरफ से एक हो। इसका तात्पर्य क्या है? उसका हृदय स्फटिक मणि की तरह निर्मल हो, बनावटी पना ना हो, कि दिल में कुछ और भावना है और जीवा पर कुछ और है। जैसे हृदय में कड़वाहट है, घृणा है, और ऊपर से मुस्कुराकर दिखा रहे हैं कि जैसे बहुत प्रेम करते हो। ब्रह्म सृष्टि ऐसा नहीं करेगी। जो उसके दिल में होगा वो स्पष्ट सत्य प्रिय और हितकारी बोलेगी। इसलिए इस प्रकरण में केवल लक्षण बताए गए हैं कि ऐसा लक्षण करने वाली ब्रह्म सृष्टि होती है। तो इसका तात्पर्य यह है नहीं है कि यदि आप में वे लक्षण नहीं है तो आप निराश हो जाइए कि हम तो ब्रह्म सृष्टि है ही नहीं। आप ब्रह्म सृष्टि के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास कीजिए। जैसे एक चीज सुनने में आती है, आजकल हिंदू समाज में जातिवाद का बहुत बोलबाला है। पहले से तो कुछ कम हुआ है, और ये पुराणों में विकृति फैलाई गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार कर्मों के आधार पर बनाए गए, जन्म के आधार पर नहीं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जन्म न जायते शूद्रो संस्कारात् द्विजसुते, जन्म से सभी अज्ञानी पैदा होते हैं। अपने कर्म के द्वारा कोई भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है, क्षत्रियत्व को प्राप्त कर सकता है, शूद्रत्व को प्राप्त कर सकता है। यदि ब्राह्मण का पुत्र वेद नहीं पढ़ा है, शास्त्र नहीं पढ़ा है, ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, सील नहीं है, संतोष नहीं है, तो ब्राह्मण नहीं कहला सकता। यदि वो अज्ञानी है तो शूद्र है, मांस खाता है, शराब पीता है तो शूद्र है। यदि वो खेती का कार्य करता है तो वैश्य है। यदि वो क्षत्रिय का कार्य करता है तो क्षत्रिय है। जो जैसा आचरण करेगा, जैसे कोई भी लड़का हो यहाँ का, दाहोद का, इंजीनियरिंग कर लेता है तो क्या कहेंगे? इंजीनियर। डॉक्टरी कर लेता है तो कहलाएगा डॉक्टर। उसी तरह से ब्राह्मण किसको कहते हैं? जिसमें ज्ञान हो, भक्ति हो, सील हो, संतोष हो, वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय किसको कहते हैं? जिसमें छात्र शक्ति हो, जिसमें प्रशासनिक गुण हो, वो क्षत्रिय है। और जिसमें वैश्य किसको कहते हैं? जो कृषि और व्यापार में निपुण हो, ज्ञान कम हो, भक्ति कम हो, लेकिन कृषि व्यापार में जिसकी निपुणता हो, और जो ज्ञान से भी रहित हो, भक्ति से भी रहित हो, कृषि व्यापार करने में भी कमजोर हो, तो उसको क्या कहेंगे? शूद्र कहेंगे। तो शूद्र का पुत्र शूद्र ही नहीं होगा, वो अपने आचरण से ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है। जैसे रावण क्या था?
ब्राह्मण पुत्र था, ऋषि का पुत्र था, लेकिन आचरण मांस खाता था, शराब पीता था, तो उसको क्या कहा गया? राक्षस पुत्र कहा गया। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, वो तपस्या करके ब्राह्मण हो गए। मातंग ऋषि चंडाल थे। आप देखेंगे मातंग ऋषि की शिष्या थी सबरी, जिसके जूठे बेरे को भगवान राम ने खाया। उस समय कोई छूत छात नहीं थे, कर्म से सभी होते थे, कर्म से वर्ण व्यवस्था थी, आज की तरह हजार जातियां नहीं थी उस समय। आज जो जातियों का बंधन हिंदू समाज को दीमक की तरह खा रहा है, आप सोचिए, यदि मातंग ऋषि तपस्या करके चंडाल कुल से ब्राह्मण हो सकते हैं, तो कोरा से कोरा जीव भी ब्रह्मसृष्टि का आचरण अपनाकर ब्रह्मसृष्टि के जीव के स्थान को प्राप्त कर सकता है। जो कोई हक के हुक्म का ताय इलम करे जो बेशक लेवे अपनी मेहर में, तो नेक दीदार कब हक। वाणी क्या कह रही है? जो कोई हक के हुक्म का, यदि राज्य की कृपा दृष्टि से किसी को तारतम ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है, लेवे अपनी मेहर में, राज्य उसको अपनी मेहर की छत्रछाया में ले लेते हैं। मेहर की छत्रछाया का तात्पर्य क्या है? मेहर सोई जो बातिनी, हक के दिल का प्यार। वो अपनी चितवनी के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा राज्य की मेहर का पात्र बन जाता है। अब मेहर उसको मत समझिए कि आप 40 दिन तक मेहर सागर का पाठ करते थे, आपको 10 लाख का लाभ हो जाता है, तो सबसे सुनाते फिरते हैं, देखो राज्य की बड़ी मेहर हो गई है, मुझे 10 लाख मिल गए हैं। ये तो माया है, ये तो 10 करोड़ भी दे दिया जाए तो एक दिन छोड़कर आपको जाना ही है। मेहर का तात्पर्य राज्य का प्रेम आपको मिल जाए। लेवे अपनी मेहर में तो नेक दीदार कबू हक। उसको भी राज्य का दर्शन हो सकता है कोरे से कोरे जीव को, पर ना दीदार कबू निस्बत का, ना काहू ये नामत। लेकिन श्यामा जी का दर्शन नहीं होगा, सखियों का दर्शन नहीं होगा। जब अक्षर ब्रह्म को श्यामा जी और सखियों का दर्शन नहीं होता था, चांदनी चौक में से केवल राज्य के आधे मुखारविंद का दर्शन करके लौट आते थे, तो ईश्वरी सृष्टि को और जीव सृष्टि को श्यामा जी और सखियों का दर्शन नहीं होगा। लेकिन राज्य को देखने का अधिकार हर जीव को है, हर ईश्वरी सृष्टि को है, 25 पक्षों को देखने का अधिकार सबको है। और भले ही श्यामा जी का दर्शन हो चाहे ना हो, राज्य का तो दर्शन हुआ। जैसे वैसे तो इस समय देश के राष्ट्रपति महिला है, मान लीजिए देश का ऐसा राष्ट्रपति हो जो पुरुष हो और उसकी पत्नी भी हो, तो आप कहिए कि राष्ट्रपति महोदय मुझे आपसे मिलना है, तो राष्ट्रपति तुरंत स्वीकृति दे देंगे। आप एप्लीकेशन लगाइए कि मुझे राष्ट्रपति की पत्नी से मिलना है, तो जो अधिकारी होंगे राष्ट्रपति की पत्नी से आपको क्यों मिलने देंगे, वो तो पूछताछ होगी कि क्या काम है। राष्ट्रपति सबका है, राष्ट्रपति की पत्नी तो सबकी नहीं है। यही समझिए, श्यामा जी और सखियों का जो स्वरूप है राज्य के आनंद का स्वरूप है, इसलिए निस्बत के बिना श्यामा जी का और सखियों का दर्शन नहीं हो सकता। लेकिन राज्य का दर्शन कोरा से कोरा जीव कर सकता है। उसके लिए क्या चाहिए? ब्रह्मसृष्टि की तरह ईमान चाहिए। श्री महामत कहे ईमान इश्क के, बिना ईमान के इश्क नहीं होता। ईमान कहाँ से आएगा? वाणी के ज्ञान से आएगा, विवेक से आएगा। श्री महामहत कहे ईमान इश्क की, ईमान के बाद दूसरी चीज क्या चाहिए? इश्क। ये दो पंख है, इश्क और ईमान। इल्म ही दोनों का कारण है। इश्क का प्राण क्या है? इल्म। और ईमान कहाँ से आएगा? वो भी इल्म से ही आएगा। इसलिए पहली आवश्यकता है ईमान की, और ईमान का मूल है मैंने अभी कहा इल्म। जब तक तारतम वाणी का प्रकाश नहीं फैलेगा, तब तक सुंदर साथ को राज्य पर ईमान नहीं आएगा। दाहोद की कोई भी सभा में जाइए, वहाँ कभी मंच खाली नहीं रहता। लेकिन पूरे देश में घूमिए, इसी गुजरात में भी जाइए, अन्य स्थानों पर इतनी भीड़ नहीं होती, क्योंकि दाहोद के सुंदर साथ में वाणी का रस पिलाया गया है। यहाँ चर्चा की प्रवृत्ति है, दूसरी जगह चर्चा की प्रवृत्ति नहीं है। गर्वे होंगे, नाच कूद होगा, परिणाम क्या होगा? यदि दाहोद में जैसी ज्ञान की स्थिति है वैसी ही सारे देश में हो जाए, तो शायद जागने का कार्य बहुत जल्दी पूरा हो जाए। इसकी आवश्यकता क्या है? आज सोने के कलशों वाले मंदिर की आवश्यकता नहीं है। आप सारी संपदा
मंदिरों के सजावट में व्यय न कीजिए, ज्ञान में लगाइए, साहित्य में लगाइए, सबके हृदय में वाणी का तारतम ज्ञान दे दीजिए। देखिए अक्षरातीत को हीरे मोतियों में रहने की कोई इच्छा नहीं है, अक्षरातीत के महल में तो अनंत हीरे मोती हैं, वहाँ के एक कण में इतना तेज है कि करोड़ों ब्रह्मांड उसके सामने खाक हो जाएंगे। तो राज्य की कोई इच्छा नहीं कि आप 56 भोग लगाइए उनको, उनको सोने का ही सिंहासन दीजिए, वो तो आपके हृदय मंदिर में विराजमान है। आज आवश्यकता है कि सबके हृदय में वाणी का प्रकाश भर दीजिए, सबको राज्य श्यामा जी के शोभा में डुबो दीजिए, ये ज्ञान देना जरूरी है। जब यह ज्ञान सबको मिलेगा तो उसका हृदय, कैसा भी कोई व्यक्ति झूठा हो, पाप करता हो, शराब भी पीता हो, लेकिन कहीं से उसको राज्य की थोड़ी सी पहचान हो जाए तो किसका नाम लेगा, राज्य का तो नाम लेगा। भागवत में एक कथा आती है अजामिल की, आप सोचिए वह व्यक्ति जब मरने का समय आता है तो, ऐसे तो कहानी भागवत की कहानी पर मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन आपको मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं। उसका एक पुत्र था नारायण, जब यम के दूत आते हैं तो भाई से नारायण को पुकारने लगता है और पौराणिक मतानुसार उसकी मुक्ति हो जाती है। किसी भी माध्यम से उसने नारायण को पुकारा तो आप संसार के सभी प्राणियों के हृदय में यदि परम धाम के ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं जो आपका कर्तव्य है, तो सोचिए इस ब्रह्मांड का क्या हाल होगा, संसार का हर प्राणी अखंड मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। इसलिए राज्य सुंदर सुंदर मंदिरों से नहीं रिझेंगे, आप सबके दिल में राज्य की शोभा को बसा दीजिए, सबको बताइए कि परम धाम क्या है, अक्षरातीत क्या है, और उस अक्षरातीत की शोभा में डुबोइए, फिर देखिए उसकी जीवन धारा बदल जाती है। महामत कहे ईमान इश्क के शुक्र गरीबी सबर, शुक्र हर पल धन्यवाद दीजिए कि राज्य ने हमेशा आपका हाथ पकड़ा है। गरीबी विनम्रता सब्र संतोष, ये 5 सबसे बड़ी अखंड दौलत है। यदि कोरा से कोरा जी तारतम वाणी का प्रकाश लेकर ईमान पर खड़ा होता है, इश्क अपना लेता है, इश्क कहाँ से आएगा, उसको चितवनी में लगना ही पड़ेगा। आप रात को सोने से पहले, मैं प्रतिदिन चर्चा में घूम फिर कर चितवनी पर आ ही जाता हूँ, वाणी के ज्ञान के प्रकाश पर आ ही जाता हूँ, क्योंकि इसके बिना कोई कल्याण नहीं होना, इसके बिना कोई जागनी नहीं होनी है। आप सोने की ईंटों से कोई ऐसा मंदिर बना दीजिए जो जिसमें स्वर्ण मंदिर से भी ज्यादा सोना लगा हो, हीरे मोतियों से सिंहासन सजा दीजिए, तख्ते ताऊ से भी ज्यादा हीरा मोती लगा दीजिए, तो भी राज्य के चरण कमल नहीं आएंगे जब तक वहां ईमान नहीं होगा। ईमान कहां से पैदा होगा, इल्म से पैदा होगा, तारतम वाणी के प्रकाश से पैदा होगा। यदि आपका हृदय ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो उठा तो आपका हृदय धनी का अर्श बन जाएगा। हक किलम जित पहुंचिया तित अर्श हुआ दिल हक, ये वाणी कह रही है। हक किलम से होते हैं अर्श बका दीदार, इन वाणी के बरकते भी तक में स्पष्ट रूप से लिखा है, दफे होत बला है। वाणी का गायन, वाणी की चर्चा, वाणी का प्रकाश आपके हृदय में माया का अंधकार नहीं रहने देगा, और वही जब आप चितवनी के मार्ग पर लग जाते हैं तो वो प्रेम का स्वरूप है। राज्य के नख से सिख तक क्या है, प्रेम केवल है। उस प्रेम के स्वरूप को याद करेंगे, दिल में बसाएंगे तो आपके अंदर प्रेम आएगा। आप एक देखिए, रावण उठते बैठते सोते जागते किसके तनाव में रहता था, राम के। कंस उठते बैठते सोते जागते किसकी चिंता किया करता था, कृष्ण की। जिसका आप चिंतन करेंगे उसके गुण आपके अंदर आएंगे। यदि आपसे किसी का बैर हो जाए, दिन रात उसके बारे में सोचेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर उसकी बुराइयां प्रवेश करने लगेंगी। अब उठते बैठते सोते जागते यदि राज्य के प्रेम की रसधारा आपको मिल जाए तो आपके अंदर राज्य के प्रेम का गुण आना शुरू हो जाएगा। इसलिए ईमान के साथ ही इश्क आएगा। जब ईमान और इसके जिसके पास रहेगा तो शुक्र गरीबी सबर अपने आप आ जाएगा आपके पास, फिर बाकी क्या रहेगा, राज्य के चरण कमल तो आपके हृदय में बस जाएंगे। इसलिए ब्रह्मशिष्टियों को यही करना है, आंख मूंद कर वाणी का तत्व ज्ञान ग्रहण करना है। केवल ब्रह्मशिष्टियों को नहीं, ईश्वरी शिष्ट को भी ग्रहण करना है, हर सुंदर साथ को ग्रहण करना है।
आज के युग में ये सोचने का समय नहीं है कि कौन ब्रह्म सृष्टि है, कौन ईश्वरी सृष्टि, कौन जीव सृष्टि। जो नहीं है वो भी त्याग से कहे कि राजी मैं आपकी अंगना हूँ, मेरी आत्मा आपकी प्राणेश्वरी है। जैसा ब्रह्म सृष्टि का जीव कर रहा है, आपको अपने जीव को भी उसी रास्ते पर लाना होगा। और यदि आपके अंदर वैसे ही, मैंने कहा, ब्रह्म सृष्टियों की तरह ईमान आ गया, इश्क आ गया, शुक्र गरीबी सबर आ गई, रहवे निर्गुण हो के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी का लक्षण आ गया, तो भले ही आपके अंदर कोरा से कोरा जीव क्यों न बैठा हो, मैं बार बार कर रहा हूँ, सत्स्वरूप की पहली बहिष्त का अधिकारी बनने से उसको राज्य भी रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि राज्य सबके लिए आए हैं, सर्वसमर्थ हैं, और वो सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। अब हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अपनी सारी ऊर्जा राजमहलों जैसे मंदिर बनाने में लगाते हैं, कर्मकांड में लगाते हैं, या तारतम वाणी को देश के कोने कोने में पहुंचाने में लगाते हैं। आज संसार आतंकवाद की ज्वाला में जल रहा है। पता नहीं कब विश्व युद्ध छिड़ जाए, पता नहीं कब प्रकृति का कोप हो जाए, पर्यावरण का संकट आ जाए और सारी मानव जाति काल के गाल में समा जाए। ऐसी विषम परिस्थिति में हर हृदय में परम धाम का ज्ञान प्रकाशित करने की आवश्यकता है। आज बड़े बड़े मेले भंडारों का समय नहीं है। आज जितनी ऊर्जा हम धर्म के प्रचार में लगाएंगे, ज्ञान के प्रकाश में लगाएंगे, उसी से संसार का कल्याण होगा। परम धाम से लाई त्यार्तम करी ब्रह्मांड में रोशनाई। तारतम ज्ञान के आने से इस ब्रह्मांड में उजाला हुआ है, अन्यथा ये तो 14 तप को तम, पाताल से लेकर बैकुंठ तक केवल अंधकार ही अंधकार है। और तारतम ज्ञान के अवतरित होने के बाद यदि वाणी मंदिरों की सजावट में केवल प्रयोग होती रहे, मंदिरों की चार दीवारी से बाहर नहीं निकले, तो गुनहगार कौन है? हम ही आप हैं। इसलिए ये जागने कार्यक्रमों का केवल एक ही लक्ष्य है, सबके हृदय में तारतम ज्ञान का प्रकाश पहुंचे, सबके हृदय में चितवनी की सरिता प्रवाहित हो जाए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर सुंदर साथ युगल स्वरूप को अपने दिल में बसाए करें। यदि आप, मैं कहता हूँ, सच्चे हृदय से 15 मिनट भी कर लिया कीजिए, तो आपके जीवन में एक नया प्रभात उदय होगा, ज्ञान का, भक्ति का, प्रेम का, समर्पण का, और ये कुछ समय के बाद आपको दृष्टिगोचर होने लगेगा। और यदि आपने इस दोपहर के सूरज में अपनी खिड़कियों को बंद कर लिया और कहेंगे कि सूरज तो उगा ही नहीं, तो वाणी की एक ही चौपाई इस संबंध में कही जा सकती है, उल्लू न चाहे उग्या सूर, जिन नंदों का दुश्मन नूर। और ऐसे करके हम संसार के सबसे बड़े मंदभाग्य होंगे। जब न्याय की लीला होगी तो सारा संसार हमारे ऊपर ताने मारेगा कि तुम तो परम धाम का तारतम ज्ञान लेकर बैठे थे, यदि हमको मिल गया होता तो रसखान जी कहेंगे कि मैं भी दिखा देता कि कैसे राज्य को पाया जाता है। गौतम बुद्ध भी बोलेंगे, दयानंद बोलेंगे, रामकृष्ण परमहंस बोलेंगे, मीरा बोलेगी, सूरदास बोलेंगे, तुलसीदास बोलेंगे, बड़े बड़े ऋषि मुनि बोलेंगे। हम सुंदर साथ तो कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार नहीं है, तो बताइए इससे बड़ा अपराध और क्या होगा। इसलिए यह प्रकरण आत्मचिंतन करने के लिए हमको प्रेरित करता है कि तारतम वाणी का प्रकाश पाने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए। अब छपाई दूर कबू ना दुखावे की ना रेवे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण साफ दिल सुहागनी कबहु ना दुखावे की न कबहु ना दुखावे की न। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की।